टेलीग्राम के माध्यम से नाव और पुल, बोट्स एंड ब्रिजेस थ्रू टेलीग्राम। इस वीडियो में हम टेलीग्राम के माध्यम से नाव और पुल बनाना सीखेंगे। आज टुक टुक सोच रहा है, हर बार बनी मुझसे पहेली पूछता है और मुझे चुनौती देता है। इस बार मैं पहेली पूछूंगा और उसे चुनौती दूंगा। वो बोलता है, बनी जंगल में सभी कहते हैं कि तुम भी बहुत होशियार हो, तो चलो देखते हैं क्या तुम इस पहेली का उत्तर दे सकते हो। मैं एक वाहन हूँ, परंतु मेरे पास पहिए नहीं है। मैं पानी पर दौड़ सकती हूँ, परंतु जमीन पर चल नहीं सकती। आमतौर पर मैं लकड़ी से बनी होती हूँ, परंतु जब वर्षा होती है तो बच्चे मुझे कागज से बनाते हैं और मेरे साथ खेलते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं कौन हूँ और मुझे इन लकड़ी के टुकड़ों की सहायता से बना सकते हो? बच्चों, क्या आप जानते हैं इस पहेली का उत्तर क्या है? आपकी ही तरह बनी भी इस पहेली को हल करने की कोशिश कर रहा है। कुछ समय बाद वो बोलता है, टुक टुक, इस पहेली का उत्तर नाव है। ये एक ऐसा वाहन है जिसमें पहिए नहीं होते। ये पानी पर दौड़ सकती है, परंतु जमीन पर चल नहीं सकती। आमतौर पर इसे लकड़ी से बनाया जाता है, परंतु जब वर्षा होती है तब हम कागज से नाव बना सकते हैं और उससे खेल सकते हैं। ये सुनकर तुरंत टुक टुक बोलता है, बिल्कुल सही, लेकिन अब तुम इन लकड़ी के टुकड़ों से नाव कैसे बनाओगे? बनी बोलता है, देखो यहाँ लकड़ी के कुल 7 टुकड़े हैं। ये सभी ज्यामितीय आकार यानी जियोमेट्रिकल शेप्स हैं। यहाँ 2 छोटे त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स, 1 मध्यम आकार का त्रिभुज, 2 बड़े त्रिभुज, 1 वर्ग यानी स्क्वायर और 1 तिर्यक वर्ग यानी रोम्बॉइड हैं। ये सभी आकार टेलीग्राम में होते हैं, इसलिए यह टेलीग्राम के टुकड़े हैं और मैं इन्हें व्यवस्थित कर नाव बना सकता हूँ। सुविधा के लिए मैं इन आकारों पर इस प्रकार संख्याएं अंकित करूँगा। सबसे पहले मैं आकार 3 और 4 को इस प्रकार रखूंगा, फिर मैं आकार 6 और 7 को इस प्रकार रखूंगा। अब मैं आकार 2, 1 और 5 को इस प्रकार रखूंगा। ये देखो, इस प्रकार मैंने लकड़ी के इन टुकड़ों से नाव बनाई है। ये देखकर टुक टुक तुरंत बोलता है, वाह बनी, तुम भी बहुत चतुर और होशियार हो। साथ ही क्या तुम जानते हो, इन टेलीग्राम के टुकड़ों के उपयोग से हम अलग अलग तरीकों से नाव बना सकते हैं? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। इसके लिए सबसे पहले मैं इन आकारों पर संख्याएं अंकित करूंगा। अब नाव बनाने के लिए मैं इन आकारों को इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार और इस प्रकार भी व्यवस्थित कर सकता हूँ। इन सभी आकृतियों को देखकर बनी को एक विचार आता है और वो बोलता है, टुक टुक, इन टेलीग्राम के टुकड़ों से हम पुल भी बना सकते हैं। ये सुनकर टुक टुक बोलता है, सचमुच
कैसे? तब बनी बोलता है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अपनी सुविधा के लिए मैं एक बार फिर इन आकारों पर इस प्रकार संख्याएं अंकित करूंगा। अब पुल बनाने के लिए मैं आकार 4, 3 और 5 को इस प्रकार रखूंगा। मैं आकार 7 और 6 को इस प्रकार रखूंगा। अंत में 1 और 2 को इस प्रकार रखूंगा। इस तरह हम टैनग्राम के टुकड़ों के उपयोग से पुल बना सकते हैं। टुक टुक कहता है, वाह बनी, तुम सही हो। अब मैं एक अलग तरीके से पुल बनाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं आकार 3, 5, 7 और 6 को इस प्रकार रखूंगा। फिर मैं आकार 1 और 2 को इस प्रकार रखूंगा और अंत में आकार 4 यहाँ पर रखूंगा। देखो मैंने भी पुल बनाया है। बनी कहता है, हाँ टुक टुक, आओ अब चलते हैं और इस दिलचस्प बात के बारे में अपने दोस्तों को बताते हैं। तो बच्चों, हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे कि टैनग्राम के माध्यम से नाव और पुल कैसे बनाए जाते हैं। अब आप भी टैनग्राम के उपयोग से अलग अलग तरीके से नाव और पुल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं।